राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की केरल इकाई के प्रमुख पीसी चाकू को बनाया गया है। पार्टी महासचिव प्रफुल्ल पटेल ने बुधवार को इस बाबत घोषणा की। चाकू इस वर्ष मार्च में ही एनसीपी में शामिल हुए थे, इससे पहले वो कांग्रेस में थे। गुजरात को तत्काल राहत गतिविधियों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। इसके बाद केंद्र सरकार राज्य में नुकसान की सीमा का आकलन करने और राज्य का दौरा करने के लिए एक अंतर मंत्रालय दल तैनात करेगी। देश में हर रोज कोरोना वायरस के कारण लाखों लोग संक्रमित हो रहे हैं, वहीं कई लोगों की इस संक्रमण के कारण जान भी जा चुकी है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रतिदिन 25 लाख टेस्ट करना है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण काफी नुकसान देखने को मिला है। पिछले साल कई मौकों पर भारत और चीन के बीच तनाव देखने को मिला था, वहीं अब सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने कहा है कि जिस क्षेत्र में भी डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया हुई है, उस क्षेत्र में कोई हलचल नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को चीन ने भी सराहा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद के गांधी अस्पताल का दौरा किया। अस्पताल में कोविड वार्ड में कोरोना पीड़ित मरीजों से मुलाकात भी की। मुख्यमंत्री आधे घंटे तक गांधी अस्पताल में थे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक की कलकत्ता उच्च न्यायालय में दाखिल सीबीआई की उस याचिका में पक्ष बनाया गया है जिसमें नारदा स्टिंग टेप मामले को राज्य से बाहर भेजने का अनुरोध किया गया है। राहुल गांधी ने कोरोना वायरस संक्रमण से होने वाली मौत के आंकड़े को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये लोगों का ध्यान भटकाना, झूठ फैलाना और तथ्य छिपाना इस सरकार की नीति है। सिंगर नेहा कक्कड़ ने अपनी खूबसूरत आवाज से सभी को अपना दीवाना बना लिया है। खासकर उनके पंजाबी गाने इंटरनेट पर काफी धमाल करते हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर नेहा कक्कड़ का एक वीडियो कई बार देखा जा रहा है। साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने मंगलवार को एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि साल 2011 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद उन्हें और उनकी पत्नी को जान से मारने की धमकी दी गई थी। उन्हें बताया कि ये धमकी न्यूजीलैंड के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में हार के बाद मिली थी। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अब से एक महीने से भी कम समय में शुरू हो रही है। भारत 2 साल पहले विश्व कप सेमीफाइनल में मिली हार का बदला लेने के लिए न्यूजीलैंड से भिड़ेगा, क्योंकि टीमें पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप खिताब जीतने का प्रयास कर रही हैं।